कार्तिक सिंह के इस्तीफे के बाद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर उनकी सरकार पर पलटवार किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश ने मंत्री बनाने से पहले कार्तिकी का प्रोफाइल नहीं देखा और लालू यादव के दबाव में मंत्री बना दिया। नीतीश जी, आप इतने कमजोर हो गए कि आपको मालूम नहीं था, आप तो गृह मंत्री हैं। मंत्री बनाने के पहले एक एक विधायक का पूरा और बायोडाटा मंगाया जाता है, विजिलेंस की रिपोर्ट आती है, उसके बावजूद लालू के दबाव में आपने उनको मंत्री बना दिया। और बाद में जब उनके इस्तीफे की मांग होने लगी तो लालू यादव ने कहा कि सुशील मोदी झूठा है। मुझे पूरी जानकारी है कि कार्तिकेय कुमार निर्दोष है, आज फिर क्यों इस्तीफा देना पड़ा? और ये 20 दिन तक इस प्रकार की फजीत होती रही पूरे देश में, बिहार की क्या छवि बनी? और देखिए, जैसे क्रिकेट के मैच का ये पहला ओवर था जिस पहले ओवर में नीतीश जी क्लीन बोल्ड हो गए, तो ये तो पहला विकेट गिरा, अभी और कई विकेट गिरेंगे, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। चूँकि इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन बाहुबली हैं, डॉन हैं, माफिया हैं, जिनकी छवि समाज में अपने ज़िले के अंदर अपराधी की छवि है, अपहरणकर्ता की छवि है, किडनैपर की छवि है, हत्या की साजिश करने वालों की छवि है, आर्म्स एक्ट रखने वालों की छवि है। तो ऐसे लोगों को लेकर आप कब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अब आपको बिहार का एक दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव कल बिहार में थे। केसीआर ने 2024 को लेकर नीतीश कुमार के साथ स्ट्रैटेजी बनाई, मीडिया से बात की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नीतीश कुमार और केसीआर से 2024 में पीएम पद के चेहरे को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार खड़े हो गए, लेकिन केसीआर इस सवाल का जवाब देना चाह रहे थे इसलिए वो नहीं उठे। वो बार बार हाथ पकड़कर नीतीश को रोक कर बैठाना चाह रहे थे, जबकि तेजस्वी तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर करना क्या है उनको। उस वक्त पत्रकार बार बार पीएम पद पर सवाल पूछते रहे, नीतीश कुमार का नाम लेकर पूछते रहे और नीतीश कुमार बार बार सवाल का जवाब नहीं देने के लिए उठ जा रहे थे, लेकिन केसीआर ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के उन्हें बैठाने की कोशिश की। वीडियो देखिए। मैंने कहा प्रयास करेंगे, जो लोग हमारे साथ मिलकर आएंगे मिलकर चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है, चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा? बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा? मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा? आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। एक मिनट बैठ जाइए। मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया आपका, बैठे बैठे इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? देखिए ऐसा है, सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ, मैंने कह दिया है। मैंने बता दिया है, मैंने उनका नाम लिया तो ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे, विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। सब के बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। जी बैठिए ना, हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी। अरे कह रहे हैं कि सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।